कहना चाहते हो? देखिए, विरोध तो होता रहेगा जब तक ये तड़ी पार की सरकार इस कानून को, ये काला कानून लाया है, इसको जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, ये यहीं नहीं हर जगह जाया जाएगा। तमाम शहरों में शाहीन बाग बनने को तैयार है, बनेगा भी। बिहार में शाहीन बाग की तरह लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, होते रहेंगे। मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, चंडीगढ़ में भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और होते ही रहेंगे जब तक ये जो एक गोरों के दलाल हैं जो बैठे हैं, ये जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है, ये जो तड़ी पार है, इन दोनों को बताना चाहते हैं हम कि इसको वापस लीजिए। आज कम की संख्या में है, एक दिन ज़्यादा की संख्या में होंगे, उभर के आएंगे। आप जिस चीज़ को दबाएंगे वो उभर के आएगी। इन्होंने कन्हैया जी को दबाया, कन्हैया जी उभर के आए। फैज़ अहमद फैज़ जी की नज्म को गलत बताया, वो उभर के आई। इन्होंने छपाक का विरोध किया, छपाक विरोध मतलब फूट के आया, छपाक देखने लोग जरूर गए। अब इससे बड़ा इनको उदाहरण और क्या दे। इन्होंने शाहीन बाग दबाया, शाहीन बाग उभर के आया। शाहीन बाग दिल्ली में नहीं जाना जाता था, पूरे विश्व में जाना जा रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होगी? हमारे लिए जश्न है, जश्न। हम इसको जीतेंगे और लड़ेंगे। लेकिन गृह मंत्री कह रहे एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। अरे ये एक इंच पीछे नहीं हटेंगे, हम इन्हें पूरे भारत से बाहर निकालेंगे। काफी समय से देख रहे हैं हम आपको, प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, लेकिन सरकार तो बिल्कुल भी इस पर विचार नहीं कर रही है। देश भर में जनता प्रोटेस्ट कर रही है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार में जो लोग बैठे हुए अंधे बहरे हैं, गोंगे हैं, उनसे कोई उम्मीद करना बेकार ही है। जन आंदोलन जेपी मूवमेंट चला था, ठीक है, उस वक्त भी इंदिरा गांधी को बहुत घमंड था, उसके अंदर हिम्मत थी, उन्होंने खुल्लम खुला इमरजेंसी लागू कर दिया। ये लोग जो आज पार्लियामेंट में बैठे हुए बुजदिल हैं, ये इमरजेंसी लागू भी नहीं करते हैं, लेकिन इमरजेंसी से बदतर सिचुएशन क्रिएट कर दिए। तो इससे तो उम्मीद करना गलत है, उम्मीद करना ही बेकार है। जन आंदोलन पे उम्मीद है और जन आंदोलन कामयाब होगा। पार्लियामेंट जनता की वजह से है, जनता की वजह से सरकार बनी है और जनता की वजह से सरकार चलेगी। और जनता की बात जब ये नहीं सुनेंगे तो इन्हें रिजाइन देना होगा, इन्हें कानून वापस लेना होगा। तो इस वजह से आज नहीं सुन रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे नहीं सुनेगी, इसको सुनना ही होगा। जनता, वो कहता है ना कि जनता आ रही है, सत्ता कुर्सी खाली करो, जनता आ रही है, वही कि जनता आएगी और आती जा रही है, इनको छोड़ना पड़ेगा। क्या लगता है, जिस तरह से अभी हमने देखा कि पुलिस को जो है NSA लगाने की अनुमति दे दी है दिल्ली में, इन प्रोटेस्टों के बीच में, कि कोई भी किसी व्यक्ति को अगर पुलिस चाहे तो वो जो है हिरासत में ले सकती है, क्या ये प्रदर्शनकारियों पर एक शिकंजा कसने की तैयारी है सरकार की तरफ? हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि प्रदर्शन में जो भी आते हैं उसको डराने के लिए ये ऐसे ऐसे कानून लाते हैं, ऐसा लागू कर दिया है। मैं देश के वासियों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, ये अंग्रेज़ के ज़माने में जिस तरह से गुलामी की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दिया था यहाँ के लोगों को, ये लोग भी ऐसा ही कर रहे हैं, इमरजेंसी से बदतर हालत कर दिया। ये कानून क्या है? इमरजेंसी से बदतर है। इनको डर लगता है कि हम खुल्लम खुल्ला इमरजेंसी कैसे लागू करें, इस वजह से ये अलग अलग तरह के कानून लाते हैं, पुलिसों से लाठी चार्ज करवाते हैं, गोलियां चलवा देते हैं। तो हम सारे देश के नागरिक को बहुत एक्टिव रहना है, बहुत केयरफुल रहना है, अपने लोगों का रक्षा करना खुद करना है। इन पुलिसों से तो आप उम्मीद कर नहीं सकते, इसलिए कि ये तो महिला छात्र पे लाठी चलाते हैं, मेल पुलिस, ये यूनिवर्सिटियों को तोड़ते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को बर्बाद करते हैं, तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? तो देश का जनता को एक साथ होकर ही ऐसे कानून के खिलाफ लड़ना होगा। सवाल उठाया जाता है जो लोग इसका सपोर्ट करते हैं कि पार्लियामेंट से जब पूरा बहुमत मिला है, कानून पास हुआ है, तो संवैधानिक कैसे हो गया? अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। अभी 2014 में जब हमारे PM साहब पहली मरतबा आए थे गद्दी में, तो उन्होंने NJAC कानून पास किया था, नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, और इसको उन्होंने दोनों सदनों में पारित कर दिया, लोकसभा भी राज्यसभा भी, प्रेसिडेंट का असेंट भी मिल गया, मंजूरी भी मिल गई, एक्ट बन गया, NJAC ये एक्ट बन गया था। ये उस वक्त भी सीना ठोक ठोक कर, ताल ठोक ठोक कर, हर वक्त हर जगह यही कहते थे NJAC संविधान के मुताबिक है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहते थे।
लेकिन जब जुडिशल कस्टडी में उसमें स्क्रूटनी में गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहकर कि ये संविधान के मूलभूत ढांचे पे अटैक है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर पर हमला है, संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो पार्लियामेंट में तो अनपढ़ लोग बैठे हुए ना, ये नादान है, इन्होंने कभी संविधान पढ़ा नहीं, इनको ये भी पता नहीं है कि हमने किस चीज़ का शपथ लिया है। जिस संविधान का शपथ लिया उसका प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, उसके तीसरे चैप्टर मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट उसमें क्या लिखा हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या, इनको पता ही नहीं है। इसीलिए ये गलत सलत कानून पास कर देते हैं और ये कहते हैं कि ये कानून सही है, इनको पता नहीं है। इसी वजह से क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से कितने आशावान है, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी 22 तारीख को हियरिंग है? हाँ, हियरिंग है और हम सुप्रीम कोर्ट की विजडम पे यकीन रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो खारिज करेगा। इससे पहले भी NJSC को उसने खारिज किया है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ही का एक जज ने साफ साफ कहा सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम बट नॉट इनफॉलिबल, मतलब जितने भी देश में कोर्ट्स हैं, जितने भी न्यायालय हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, लेकिन इससे भी गलती हो सकती है और इससे पहले गलतियां हुई हैं। उसका मैं एग्जांपल दूंगा SC ST Act का, अभी एक साल पुरानी बात है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने SC ST Act को कमजोर कर दिया, वीकेंड कर दिया उसको, जन आंदोलन हुआ पूरे देश में, SC ST लोग सड़कों पर आए अपने हक के लिए, संवैधानिक राइट के लिए, और पार्लियामेंट को झुकना पड़ा उसको चेंज करने के लिए, उसका जो पहला सिचुएशन था, पहली कंडीशन, उस पर लाने के लिए। तो ये याद रखना होगा देश के आम जनता को, पार्लियामेंट भी गलती करती है उसको सुप्रीम कोर्ट को सही करना होता है, सुप्रीम कोर्ट भी गलती करती है उसको पार्लियामेंट सही करता है, और जब पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों गलती करे तब फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों को खड़ा होकर दोनों को सही करना होगा।